हमारे सभी सुनने वालों को मोना शर्मा गुप्ता का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत पंचतंत्र की कहानी के इस कार्यक्रम में। पिछली बार की कहानी में हमने विश्वास की महत्वता पर चर्चा की थी कि कैसे विश्वास खोने पर हानि पहुंची जा सकती है। हमारी आज की कहानी आत्मविश्वास पर निर्धारित है। आप आत्मविश्वास के बलबूते पर कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अचानक सभी दरवाजे खुल जाते हैं। You just have to trust yourself, believe in yourself. पर याद रखें कि आत्मविश्वास यूं ही नहीं खड़ा हो जाता। कड़ी मेहनत, सच्चाई और लगन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को रूप देने के लिए। आइए अब सुनते हैं आज की कहानी साधु और चूहा। एक मंदिर में एक साधु रहता था। उस मंदिर के पास का गांव काफी संपन्न था, इसीलिए साधु को भोजन और वस्त्र की कोई कमी नहीं होती थी। ज्यादातर गांव वाले साधु के लिए कुछ न कुछ दान दक्षिणा में अवश्य ही लाते थे। साधु भी पूरे मन से उन्हें आशीर्वाद देता था। रात के भोजन के बाद वह साधु बचा हुआ खाना मिट्टी के एक बर्तन में रखकर छीके पर रख देता था। छीका बहुत ऊंचाई पर टंगा हुआ था। साधु का जीवन सामान्य गति से चल रहा था, लेकिन पिछले कई दिनों में एक अजीब घटना होने लगी थी। रोज रात को एक चूहा उस बर्तन में से रखा हुआ खाना चुरा लेता था। साधु को इस बात का आश्चर्य था कि कोई साधारण चूहा कैसे उतनी ऊंचाई तक कूद सकता है। साधु ने ये बात अपने एक मित्र से बताई। दोनों ने तय किया कि उस रहस्य का पता लगाया जाए जिससे चूहे को इतना ऊंचा कूदने की ताकत मिलती है। साधु के मित्र ने सलाह दी कि उन्हें चूहे के बिल को खोदकर ये पता लगाना चाहिए कि कौन सी चीज चूहे में इतनी शक्ति भरती है। जब उन्होंने चूहे के बिल को खोदा तो वे अचंभित रह गए। उन्हें बिल में से सोने की एक शिला मिली। तब साधु ने बड़ी अच्छी व्याख्या की। उसने कहा कि चूंकि चूहा इतनी विशाल धन राशि पर बैठा हुआ था, इसीलिए उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। उन्होंने सोने की उस शिला को राजसी खजाने में जमा करवा दिया। उसके बाद वह चूहा कभी भी इतना ऊंचा नहीं कूद पाया कि छांके में से रखा हुआ खाना चुरा पाए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि यदि आपके पास प्रचुर मात्रा में संसाधन हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। संसाधन से तात्पर्य हो सकता है आपका हार्ड वर्क, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी और लक भी। जब आपके तारे तेज हो तो कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। और यदि पूरे मन और आत्मविश्वास से कुछ कार्य किया जाए तो सफलता आपके कदम चूमेगी ही। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं मोना शर्मा गुप्ता कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।